आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। जो भी व्यक्ति माँ की उपासना करता है उसे अपने जीवन में अनंत फल की प्राप्ति होती है। माँ का स्मरण करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। माँ की कृपा जिस भी भक्त पर बरसती है उसकी समस्त मुश्किलों का अंत हो जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है आचरण करना। माँ की उपासना अनंत फल प्रदान करने वाली होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो साधक विधि विधान से देवी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करता है उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से माँ अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सबसे पहले नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए उनका चित्र या मूर्ति पूजा के स्थान पर स्थापित करें। उस पर फूल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। इसके बाद माँ दुर्गा की कहानी पढ़ें और माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप करें। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल के फूल बेहद पसंद है और इसीलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री भी काफी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाती है।